क्या कर रही है रिया? वो मैंने केक के हिसाब से निकाले थे। तो और ले लो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आभा दी, आपने शादी क्यों की? माँ के दाने कम थे क्या जो तू आज डायरेक्टली पूछ रही है? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। आई रियली वॉन्ट टू नो। हाँ, बट आज अचानक क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताओ ना, आपने क्या सोचा था शादी के बाद क्या होगा? वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होगा। लाइफ बहुत रोजी लगती थी, यू नो, ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पॉसिबल हो। और फिर मिला रियलिटी चेक एंड हियर आई एम बेकिंग केक्स। मुझे भी लग रहा था दैट शादी वुड मीन अ लॉट ऑफ फन। नए कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, न्यू शूज, एंड अ फैबुलस हनीमून। और इन सब की वजह से मैं इस घर की मैडनेस से दूर रह सकूंगी। तो वो सब भी होगा ना रिया। देख, निखिल बहुत समझदार है और वो तुझे बहुत खुश रखेगा। Because he really loves you. और हस्बैंड के प्यार और सपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। इतना ही प्यार करता है तो हनीमून मेरी मर्जी से क्यों नहीं ले जाता? मुझे भी तो सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए ना। व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज एंड सेटल फॉर सेकंड बेस्ट? रिया, बेटा देख कौन आया है। आई, आ जा निखिल। हाँ जी। आबा जरा पानी तो ला। हेलो आंटी, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अरे बेटा, पैरी पोना करो, ये अब तुम्हारी आंटी नहीं है। अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो ये बेटी है हमारी, बहू बन के थोड़े रहना है। हा? दोनों साथ साथ शॉपिंग करेंगे, किटी पार्टी में जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा भाभी जी, मैं ना निखिल और रिया के कमरे का डेकोर कर रही थी, तो पहले तो मैं खुद ही करवा रही थी, फिर सोचा जब इसने रहना है तो इसको भी इन्वॉल्व कर ही लेती हूँ, चल पड़ेगी हमारे साथ फर्नीचर वगैरह लेने। थैंक यू। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, कब जाना होगा फर्नीचर लेने? जी अभी निकल रहे थे। हाँ रिया, जाओ बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला? क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। तो
आखिरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी